हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना मेट्रो बस ट्रैवल्स एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा मुल्तान आ ही चुके हैं तो यहाँ की मेट्रो बस सर्विस भी देखी जाए किस तरह की है। सो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम मेट्रो बस में ट्रैवल करूँगी। सो हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ बेहतरीन बात यह है कि 20 रुपीज़ पर हेड में आप एक कॉइन परचेज करेंगे यहाँ पे बस स्टॉप से, एंड देन आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे कॉइन एंड देन मूव ऑन, और हम यहाँ पर वेट करेंगे अपनी बस का। और बस आ चुकी है। मैं यहाँ पे था कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं, सो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लेकर कोशिश की आप लोगों के लिए व्लॉग बना सकूँ। बहुत अच्छी मुझे यहाँ की सर्विस लगी है। फर्स्ट टाइम बैठी हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। फर्स्ट मज़े की बात यह है कि यहाँ का स्टॉप मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका बस का एक स्पेसिफिक वे है जिसमें सिर्फ यही इसका रूट है, जिसमें सिर्फ मेट्रो बसेज ही मतलब उस रोड पे हो चलेंगी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं भी जो है ट्रैवल करते हैं तो आप फटाफट से पहुंच जाते हैं, मतलब आपको ट्रैफिक इश्यूज नहीं होते कि ट्रैफिक जाम है तो आपको लेट हो जाए, आप टाइमली पहुंच सकते हैं। स्टेशन से 20 मिनट के बाद मेट्रो रूट नंबर 2 के जरिए निष्ठा अस्पताल और डेंटल अस्पताल तक पहुँच सकते हैं। शुजाबाद और शेषापुर से आने वाले मुसाफिर ग्राउंड फ्लोर पर ना फातमा इधर आइए, चलो इधर ही से चलते हैं लिफ्ट। रुको, मम्मा के हाथ पकड़े फातमा। चाहती है बब्बो, ये कुछ नहीं होता। बैठो बैठो बैठो, बस बस चटनी बना लेते हैं साथ। और काट तो है नहीं जो बनाने वाले हैं वो सारी बना लेते हैं, हम बंद कर दें। लोग उन्होंने बना देना के डाली वीडियो अम्मी की उधर आएगी। नहीं मैंने कहा अम्मी गाड़ी मासूम आप ही है फातमा, ये झाड़ू रख दो, गंदी लग रही हो, बुरी लग रही हो। रखो झाड़ू जाके, बड़े आता है लेके रखो झाड़ू से, कहा झाड़ू लेके रखो, बड़े उधर सामने जाओ, इधर हो जाओ ना। नहीं दिल चाह रहा, सॉक्स और शूज रखाओ। नहीं बेटा फिर कल मैं फिर धोऊंगी ये जूते जब ब्लैक वाले पहन, जाओ और ब्लैक वाले मेरे सामने पहन के आओ। हम लोग फाइनली मुल्तान पहुंच चुके हैं और हमने अपने सिस्टर के घर स्टे किया हुआ है। हमें आए हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत जो है मुल्तान में मेरा जो है पूरा ददियाल मुल्तान में है, और यहाँ मेरी 2 सिस्टर भी हैं जो शादियों के यहाँ ससुराल जिनका यहाँ पर है, तो एक मुल्तान में होती हैं और एक होती है सिकंदराबाद, वो गांव टाइप है। वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए भी, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ मैंने बहुत मतलब कहीं जब आप जाते हैं तो कोई काम नहीं होता करने को लिए, घर में तो आप बिज़ी होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो यहाँ मैं बिल्कुल फ्री थी, मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया और अनाया भी बहुत ज़्यादा हैप्पी। अनाया इधर आई, अनाया भी यहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर, अनाया आई हैप्पी थी, बहुत मज़ा आ रहा है। अनाया से हेलो, मैं हेलो कर दें सबको, हेलो एवरीवन,
चलो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। मैं अभी आपको यहाँ का बैक व्यू दिखाती हूँ। मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड है वो मेरे भैनोई भी हैं। नहीं, कितने मजे की बात करी। मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड है वो मेरे भैनोई भी है। मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड है वो मेरे कज़न भी हैं, चाचा के बेटे भी हैं। तो इस लिहाज से वो मेरे कज़न भी हैं मतलब, और मेरे भैनोई भी हैं, तो दो रिलेशन हैं। तो इसलिए मैं आराम से उनके घर स्टे कर रही हूँ। अदरवाइज़ बहनों के घर जाके ससुराल में रहना कोई मतलब हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन ये एक तरह से मेरे ददियाल ही है। रमजान में है, पहला रमज़ान मैं गुजारूंगी। कुछ दिन मैं और स्टे करने वाली हूँ और वीकेंड में मे बी हम जो है वापस चले जाएँ कराची। अच्छा, मुझे मुल्तान क्यों आना पड़ा मैं ये बताऊंगी। मुझे मुल्तान क्यों आना पड़ा, मुझे अचानक ही मुल्तान आना पड़ा क्योंकि मेरे जो चचा हैं वो मुल्तान में होते हैं। यानी मेरी बहनोई के जो ससुर हैं वो मेरे चचा हैं और वो मुल्तान में होते हैं, और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमें उनको मिलने के लिए आना पड़ा क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप दूर रहते हैं और आपको पता चलता है किसी अपने की तबीयत ख़राब है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो आप उसे मिलने आना पड़ता है। तो ऐसे कुछ हुआ कि जब मुझे पता चला मेरे चाची की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो मैं उनसे मिलने के लिए आ चुकी हूँ। इनसे आप तो कहते आपको रोज़ा है, आपका रोज़ा नहीं है। बरी आप ये सारे बच्चे सहरी में उठे हुए थे और इनफैक्ट जब मैं उठी थी तो ये सारे बच्चे ऑलरेडी उठे हुए थे और बहुत ही अहतमाम से सहरी कर रहे थे। तो मुझे लगा इन सबका रोज़ा होने वाला है, बट इन्होंने ये जो कह रहे हैं कि अभी हमारे पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, और ये सही बात कह रहे हैं, इन पर अभी रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, तो इन्होंने अभी रोज़ा नहीं रखा। लेकिन इन्होंने सहरी किए तो आपको पता है इनसे सहरी करने का भी बहुत सवाब मिला है आपको। आपने सहरी किए ना उठ के, तो अब आप अफ्तारी करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। फातिमा जो फातिमा भी नहीं उठी, फातिमा से बाय बाय करती रहती हैं आप। इसमें कितने सूट आ जाते हैं एक टाइम पे, बड़े सूट रोज़ा। ये हमारे शहजादे हैं जो बहुत ज़्यादा रो रो के सोए हैं। मेरे नेफ्यू हैं और मेरी सिस्टर गई अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए और हम इसे बातों में लगा रहे हैं ताकि इसको रोना स्टार्ट ना हो जाए। ये अम्मी आपकी बाहर है, आप क्या कर रहे हो, सो जाओ आप। अच्छा इनको कहते हैं शाहजी, ये शाह साहब हैं। शाहजी आपकी मम्मा कहाँ गई हैं? किचन में खाना बना रही हैं। किचन में खाना बना रही हैं आपकी मम्मा शाहजी के लिए? क्या शाहजी की मम्मा क्या कर रही हैं? राइस बना रही हैं। अच्छा यूँ कर दो, सबको यूँ कर दो, कर दो। ये इनका बैक व्यू है, अभी हम जाएंगे टेरेस पे फिर बनाएंगे वहाँ की वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।